Audio Jungle. इंदौर में गुरुवार 21 अगस्त से 24 अगस्त तक होने वाली 34वीं फ्रंटियर एक्वेटिक एवं 44वीं क्रॉस कंटीमेंट 2019 प्रतियोगिता का शुभारंभ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी महानिरीक्षक सिसुबल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में गेम की महत्वता पर जोर दिया। कहा कि खेल अनुशासन एवं सहानुभूति को आत्मसात करना सिखाता है। प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी और उच्च खेल भावना दिखाने की बात कही। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। आज CSWT इंदौर में सीमा सुरक्षा बल के अंतर सीमांत जो एक्वेटिक और क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, उसका हमारे परम माननीय सांसद हैं शंकर लालवानी जी, उन्होंने विधिवत इसका शुभारंभ किया है। और ये प्रतियोगिता आज से 24 तारीख तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में हमारे 13 जो सीमांत हैं उनमें से 11 सीमांतों की टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। और इस प्रतियोगिता में तकरीबन 300 के करीब जो खिलाड़ी हैं अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और इस इवेंट में आप जैसा कि आज देखा है, फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, जितने भी एक्वेटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका यहाँ पर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। और जो सुपर कॉरिडोर है इंदौर का, वहाँ पर 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को CSWT, क्योंकि हमारा नया ये स्विमिंग पूल बना है, पहली बार आयोजित कर रहा है। हालांकि हम क्रॉस कंट्री जो इवेंट है इसको पहले भी कर चुके हैं और खिलाड़ियों में अपना उच्चतम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने के लिए बहुत ही जोश है। और हम उम्मीद करते हैं कि खेल की भावना से एक नए कीर्तिमान जो सीमा सुरक्षा बल के होते हैं उनको पूर्ण करने में खिलाड़ी पूर्ण तौर पर सफल हो। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा मानता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर सबसे पहले कैजुअल्टी होती है या सबसे पहले फ्रंट लाइन में कोई रहता है तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, और उसके बाद कुछ मूवमेंट आता है तो आर्मी आती है उसके बाद। लेकिन शुरू के सामना करना पड़ता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी BSF वालों को करना पड़ता है। तो उनकी क्षमता, उनकी दक्षता और शारीरिक क्षमता तो रहती है, और बिल्कुल चाहे 40 डिग्री का माइनस, 45 डिग्री माइनस हिमालय की पहाड़ियाँ हो या फिर 40-42 डिग्री का राजस्थान की गर्मी वो रेगिस्तान हो या नॉर्थ ईस्ट हो, तो सब जगह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की आज स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, और मुझे लगता है कि इस बहाने वो जितने तनाव में वहाँ रहते हैं सीमा पे, तो एक ये उनकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और एक मानसिक रिलैक्सेशन भी होता है जब वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन में आते हैं। और यहाँ उनकी कॉम्पिटिशन भी रहती है, अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, तो एक अच्छा प्रयास है। और नेशनल कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो रही है, IG और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे नए स्विमिंग पूल में आज नेशनल कॉम्पिटिशन हो रही है। देश भर के अनेक राज्यों के जवान इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं।